मेडिकल स्टूडेंट इन लवीफ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड हमारा समर्स के हॉलीडेज़ के बाद हम सेप्टेम्बर को इधर से लविफ गए थे फॉर न्यू ऑटम सेशन फिर um, तब uh, इतना ज़्यादा लड़ाई की बातें नहीं हो रही थी लेकिन जब जनवरी uh, नया साल स्टार्ट हुआ उसके बाद लड़ाई की वो रशियन ट्रूप्स बॉर्डर पर आ गए वैसा चल रहा था बातें लेकिन पेरेंट्स uh, भी बोल रहे थे कि वापस आ जाओ लेकिन यूनिवर्सिटी से आ, ऐसा श्योरिटी नहीं मिला था कि ऑनलाइन होगा क्लासेस तो इसीलिए हम रुके हुए थे उस टाइम एंड ट्वेंटी फोर्थ को जब बॉम्बारिंग uh, स्टार्ट हुआ तो हम सब लोग हॉस्टल पे ही थे आई एम फ्रॉम लवीव सिटी फिर uh, उसके नेक्स्ट दिन बाद ही एडवाइज़री uh, जब निकला था पोलैंड पोलैंड बॉर्डर खुला हुआ है जाने के लिए तो सब लोग हॉस्टल से कैब्स प्राइवेट कैब्स लेकर बॉर्डर तक जा रहे थे तो उस टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन ये था कि बॉर्डर uh, तक तुम लोग कैब्स लेकर जाओ फिर उसके बाद Uh, उधर से सिर्फ फाइव किलोमीटर्स चलकर बॉर्डर हो जाएगा ऐसे इंफॉर्मेशंस uh, मिली थी तो सब लोग हॉस्टल के निकल गए तो हम भी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाकर फिर वी आल्सो स्टार्टेड द जर्नी लेकिन जब टैक्सी ने हमको छोड़ा लगेज सब था तो उन्होंने भी बोला फाइव मिनट फाइव किलोमीटर्स है इधर से लेकिन एक्चुअल में हमने फोर थर्टी में स्टार्ट किया था जर्नी बॉर्डर के लिए ऑन बाईफ uh, एंड इट टुक फोर्टी टू फोर्टी फाइव किलोमीटर्स टू रीच द बॉर्डर और वो हमने पैदल फोर थर्टी से अराउंड लेवन अराउंड ट्वेल्व थर्टी वन ओ क्लाक को हम बॉर्डर पहुँचे और वो एक प्रॉपर बॉर्डर भी नहीं था एक फाइक फर्स्ट चेक पोस्ट जैसा था जो यूक्रेन uh, पुलिस ने बनाया था तो उधर बहुत सारे जंगल था रहने का कुछ जगह नहीं था तो फिर उस टाइम जाने क्रॉस करने चेक पॉइंट क्रॉस करने के लिए नहीं दे रहे थे तो फिर जब आ, हम लोग लाइन पे खड़े हुए थे तो मेरी एक दोस्त को हाइपोथर्मिया हो गया एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से माइनस फाइव डिग्री था बाहर तो आ, उसको आ, फिर एम्बुलेंस बुलाया हमने हेल्प के लिए आ, बोला फिर उसको वापस लेकर गए और फिर उस रात हमने पूरा एक पास में गैस स्टेशन था वी स्पेंड द एंटायर नाइट देर कुछ ब्लैंकट कुछ रहने का शेल्टर भी नहीं था उधर एंड फिर जब वो वापस आई फिर सुबह हमने फिर से लाइन वी स्टेड इन द लाइन डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग थे नाइजेरियंस पाकिस्तानी इंडियंस नेपाली फ्रॉम नेपाल Uh, तो सब लोग लाइन पे खड़े हुए थे और हमें क्रॉस करने के लिए जा जाने ही नहीं दे रहे थे बाकी फ़र्स्ट यूक्रेनियन जा रहे थे फिर उसके बाद हमको जाने दे रहे थे फिर एट दी एंड जैसे तैसे कर कर एट दी एंड अराउंड इवनिंग हमको जाने दिया ग्रुप्स ऑफ़ टेन बना ग्रुप्स ऑफ़ टेन बनाकर स्पेशली लड़कियों को पहले जाने दिया तो मैं मेरी uh, कुछ दोस्त आगे निकल निकल गए थे बस के लिए जाने के लिए चेक पोस्ट क्रॉस कर कर जैसे हमने पीछे मुड़ के देखा तो बहुत सारे लोग क्योंकि उनको डर लग रहा था कि जाने देंगे या नहीं तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर भागने लगे तब यूक्रेन पुलिस ने लाइक गन्स निकाल कर थोड़ा ओपन एयर फायरिंग वो सब किया तो उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे दैट वाज वेरी हॉरिफिक उसके बाद हम बस के थ्रू ऊपर चेक पोस्ट यूक्रेनियन फर्स्ट चेक पोस्ट चेक पोस्ट पर पहुंचे जहाँ पर इमिग्रेशन जहाँ जा, पर ट्रांजिट वीज़ा का स्टैंपिंग लग रहा था फिर उधर भी सेम थाउजेंड्स ऑफ़ पीपल इन द लाइन जाने नहीं दे रहे थे फिर उसके बाद उस रात भी हमने उधर बिताया बाहर ही सोने सोने का शेल्टर जगह नहीं था फिर उस दिन भी हमने बाहर बिताया फिर द नेक्स्ट डे फिर लड़कियों को जाने दिया फिर लड़कियों इंडियन बॉयज़ व लेफ्ट बिहाइंड एंड गर्ल्स व मूविंग फॉरवर्ड फिर जहाँ पर मेन स्टैम्पिंग uh, हो रहा था उधर भी लाइक एवरी वन पुशिंग ईच अदर नाइजेरियन्स व फाइटिंग इंडियंस व फाइटिंग विद ईच अदर

जैसे जैसे करके मेरे दो दोस्त आगे निकल गए थे तो मैं अकेली पड़ गई थी फिर उसके बाद अराउंड फाइव थर्टी इन द इवनिंग फिर उस, उस दिन मुझे जाने को मिला दो दो कर कर भेज रहे थे वो लोग इट स्टार्टेड इट्स एक्सट्रीम कोल्ड फिर वो क्रॉस कर कर फिर मुझे लगा अब हो गया लेकिन फिर और एक बॉर्डर था जो पोलैंड का क्रॉस करना था जहाँ पर फिर और uh, पोलेंड की तरफ से स्टैंपिंग हो रही थी तो उधर भी थाउजें ऑफ़ पीपल उधर भी सेम uh, लड़कियों को पहले जाने के लिए बोल रहे थे लेकिन उधर क्या हुआ बैड एक्सपीरियंस कि सब लोग धक्का जब लड़कियों को जाने दे रहे थे पहले तो सब लोग पुश करने लगे बोलने लगे नहीं नहीं तो उस टाइम लाइक like, मेरे uh, पैर में थोड़ा स्प्रेन आ गया था क्योंकि सूट के सब मेरे ऊपर गिर गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्ट हो गया था उस टाइम तो उस टाइम तो भी मैंने पापा को कॉल कर लाइक रोते हुए कहा कि दिस इज़ लाइक इम्पॉसिबल हो रहा था क्योंकि सब लोग इतना सा रास्ता था बीच में फिर उस उधर ही बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रहा था फिर जैसे जैसे वो कर, कर हमने स्टैम्पिंग लिया फिर आफ्टर दैट फाइनली वी कॉन्टेक्ट विद एम बी सी बिकॉज एम बी सी के लोग अंदर तो नहीं आ सकते क्योंकि डिफरेंट कंट्री है तो दे वेटिंग आउटसाइड द पोलेंड बॉर्डर सो वस वी कॉन्टेक्टेड विद दैम थिंग्स वेंट ऑन स्मूथली देन द बस वॉज देयर देन द बस टुक आज टू द होटल प्रेसिडेंसी दैट दे हैड मेन बात तो ये है मेरा बेटी बहुत पच्चीस तारीख के करीब करीब छः दिन बहुत स्ट्रगल करके यूक्रेन से आज घर वापस लौटी है और आज सुबह दिन भी हम लोग का न्यू ईयर चाड़ पर्व है तो उसी दिन घर वापस आ गया है। तो हम लोग बहुत खुश है घर में वापस आए सही सलामत ऐसा वार जोन से वार एरिया से वार जहाँ पर अभी लड़ाई चल रहा है तो वहाँ से बहुत तकलीफ़ सहकर आकर यहाँ पर पहुँची है घर आ गया इसमें भारत सरकार और बंगाल सरकार ने भी बहुत मदद किया इसके लिए सब सब दो सरकार के लिए भी मैं आभारी हूँ धन्यवाद प्रकट करता हूँ और सभी वासियों का और टिबेटिन ति, भुटिया लोग जितना भी आप आज न्यू ईयर मना रहे सभी सभी को आ, मैं आज न्यू ईयर का अभिन अभिनंदन जनाना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ